कम नहीं है। आने वाला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चल आएगी। चलो चलते। मजा आएगा। हाँ हाँ ओके। चलो गाइस। चलो चलते। Hey Michael, कैसे हो तुम सब? अच्छा हो यार, तुम लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ। बढ़िया। कैसे हो आप? बताओ, क्या देख रहे हो? बहुत अच्छी थी। Hey, मेरा भी लोचो यहाँ पे। हाँ, सही है सही। हाँ चलो। वो देखो सामने। थोड़ा टेंट कौन सा है? ये वाला। हाँ तो फिर चलो उससे जाते हैं। चलो चलते हैं। तुम कैसी हो? ठीक है। मैं ठीक हूँ, बस पसीने में डूब रही हूँ। यहाँ बहुत गर्मी है और मैं कुछ देर स्विम करना चाहती हूँ। जाओ, पानी बर्फ जैसा है। तुम लोग चलोगे? हमारा काम ही काम बाकी है। ठीक है, फिर तो मैं जा रही हूँ। ओके। ठीक है, लेट्स गो। ओके, यहाँ पे भी ध्यान दो। हाँ, ये हाँ, ये हाँ, ओ ओ कम ऑन, ये ओ ओ ये चलो अब ध्यान से करो। कम ऑन, ये यो ध्यान से। हे गाइस, छोड़ो ये सब, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैं कहती हूँ तुम यहाँ आ जाओ स्विमिंग करने के लिए। अरे हमें तो फाइट में मजा आ रहा है। अरे छोड़ो ये बेकार के काम, यहाँ बहुत मजा आ रहा है। नहीं, हम जस्ट वार्म अप कर रहे हैं। चल फिर से।
मुझे सांप दिखाता है। हाँ, मैंने काटने के ऐसे निशान कभी नहीं देखे। अब क्या हो रहा है इसे? कुछ मालूम नहीं। कुछ पता नहीं चल रहा? नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं डॉक्टर पैसों की दवाई देने जा रहा हूँ। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम ये कैसे कर सकते हो? मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। उस मेडिसिन को अभी तक टेस्ट तक नहीं किया गया है। तो अगर वो लड़की मर गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हा? उसे बचाने के लिए हर कोशिश करना मेरा फर्ज है, या फिर मैं हमारी दोस्त को यूं ही मरने के लिए छोड़ दूं। क्या गलत किया? बोलो। मैं नहीं जानती। नो पेन नो गेन। ये लो वीडियो कैमरा, इसे ध्यान से देखो और पेशेंट की फाइल्स चेक करो कि उसकी हालत कैसी है। बीमबॉक्स चलो फिशिंग करेंगे। ठीक है, चलो। वो देखो। हाँ। ये जगह बहुत अच्छी है, आओ यहाँ बैठते हैं। जल्दी से कुछ मांग लो, मांग लो कुछ। हाँ, वो टूटा हुआ तारा है, मांगो कुछ, कम आओ।
आपने देखा ना, ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता आप इस अधूरी रिसर्च को एक्सेप्ट करेंगे। कोई परेशानी नहीं है, आगे की रिसर्च मैं खुद कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। सीरम का नाम है सीरम X5M1। ये एक स्पेशल किस्म का सीरम है जो सांप के जहर को रोक सकता है। ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। ये आज का बेस्ट इश्यू डिस्ट्रॉयर है जिसे हमारे रिसर्च सेंटर ने बनाया है। डॉक्टर डियाना और डॉक्टर अंग्रेज को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साल के बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड दिए जाने पर बधाई देना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं कि ये दोनों बहुत ही पक्के निश्चय वाले और मेहनती वैज्ञानिक हैं, और आप दोनों को स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल मीटिंग में भाग लेने के लिए भी इन्वाइट किया गया है। और मैं आप दोनों को एक बार फिर से बधाई देता हूँ आपके सभी कार्यों के लिए। डॉक्टर डायना, ये अवार्ड आप कब और कहाँ रिसीव करने वाली हैं? क्या हमें कुछ बताएंगी आप? हाँ, बताइए हमें। बताइए, अवार्ड लेने के लिए हम कल रात स्विट्जरलैंड जाएंगे और जल्दी हमें वापस भी आना है क्योंकि हमें हमारे फादर की भी चिंता है। इस नए सीरम के बारे में कुछ रोशनी डालेंगी? ये कब तक आ जाएगा? ये कुछ बताएंगे इसके बारे में? हाँ, ये भी बताइए। हमारी टीम के साथ मिलकर कुछ और भी जानकारी इकट्ठी करनी है, उसके बाद हम इसकी पूरी डिटेल अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। अच्छा मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। लैब में क्या हुआ था? कुछ तो बताइए मैडम। हाँ मैम, कुछ तो बताइए। मैम कुछ तो बताइए मैम, क्या हुआ था? प्लीज मैम, प्लीज मैम, हाँ बताइए वहाँ पे। मैम मिनट, प्लीज मैम, मैम एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैम प्लीज बताइए ना मैम। मैम 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 सुनिए, रुकिए, सुनिए मैम, मैम बता के तो जाइए मैम, प्लीज मैम, कुछ प्लीज डायना जी, प्लीज सुनिए मैम, मैम प्लीज बताइए, डायना जी प्लीज, एक्सक्यूज मी, बताइए डायना जी, मैम प्लीज। हेलो, यस, हाँ मैंने किसी को भेजा है। नहीं, मैंने नहीं देखा, वो अभी तक वापस नहीं आया। तुम क्या कहते हो?
अगर मुझे कुछ नया पता चला तो उसी वक्त मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगा, ठीक है ना? ये सांप कौन सी किस्म का है? सिनोप्सिस या फिर इसे सनबीम स्नेक भी कहते हैं। ओहो, सुंदर है तो ना? अच्छा, ये है सनबीम स्नेक। हाँ, तुमने शायद इसे पहली बार देखा है। बाय द वे, उसने अभी तक सांपों को खाना क्यों नहीं डाला? हाँ, मुझे लगता है वो आने ही वाला है। बोलो हेम, ऐसा क्या लेकर जा रहे हो इस बॉक्स के अंदर? और इसके ऊपर ये इतना बड़ा डेंजर क्यों लिखा हुआ है? तुम क्या कहती हो? मुझे तो ये बहुत डरावना लग रहा है हेम, तुम बोलो जाओ हेम, बताओ मुझे इसके अंदर क्या है? इससे तुम्हें क्या लेना, मैं लैब में जा रहा हूँ। ये क्या है थॉम? देखो कैट, हर चीज में ना टांग मत अड़ाया करो, खामखा पंगे क्यों लेती हूँ? इसे दो मुझे और चलो चलो। यस सर, आ गया है। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जैसे आपने बोला था। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उनकी तरफ से कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है? यस सर, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो उन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स वापस रख लिए थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया और कोई कुरियर भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है? आमतौर पर वो बॉक्स के साथ कुरियर भी कर देते हैं। सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या ये बॉक्स वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत खतरनाक भी, क्योंकि इस बॉक्स में एक खतरनाक सांप है जो जानलेवा है, तुम्हें पता है। और ये सिर्फ इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक दुर्लभ प्रजाति का सांप है। डॉक्टर एल्पोसो जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने इसे मेरी बेटी के लिए भेजा है ताकि वो इसके जहर का इस्तेमाल अपनी मेडिकल रिसर्च के लिए कर सके। यहाँ तक कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इसके डीएनए का बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया जा सकता है। रुको हैम, मुझे मालूम है कि सांपों के मामले में तुम्हारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन यह बहुत ही डेंजरस है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी, इसीलिए मैं चाहता हूं इसे यहीं रहने दो, यहीं मेरी लेबोरेटरी में, और तुम इसके खाने के लिए चूहा लेकर के आओ यहीं पर,
क्योंकि हम इसे लेकर कहीं जा नहीं सकते। ये बहुत दिनों से भूखा है। अभी ले आता हूँ। यहाँ चूहा लेने आया हूँ। क्या करने वाले हो तुम चूहे का? ये डॉक्टर का ऑर्डर है। बताओ तो क्या करके आई हो? अपने काम से मतलब रखूं। ठीक है। आप निश्चिंत रहे। आज आपको टीवी पर देखा, बहुत अच्छी लग रही थी आप। थैंक्स। हेलो। हेलो हेम। हाय लेट्स। हेलो बेटा। हेलो, कैसे हैं? हेलो पापा। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। बहुत बढ़िया रही पापा। ओके, हेम तुम्हारे लिए एक सांप लेकर आया है। बिल्कुल परफेक्ट है तुम्हारे लिए। लेकिन ध्यान से, बहुत जहरीला है ये, बहुत ही जहरीला। हेलो, क्या उनकी मौत हो चुकी है?
जानलेवा है और दुनिया में बहुत कम पाया जाता है, जानते हो? बड़ी अजीब बात है, पापा ने इतना बड़ा सांप क्यों मंगवाया है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। पापा कहाँ रह गए? उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? देखो, पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी? डायना, बहुत बुरी खबर है। इंडोनेशिया से मेरे दोस्त का फोन आया था। उसने बताया कि डॉक्टर एप्लोसो का स्वर्गवास हो गया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मानव कल्याण के लिए काम करने वाला एक बेहतरीन इंसान चला गया। एक सबसे जरूरी बात यह है कि अब हमें अपनी रिसर्च उनके बिना ही पूरा करना होगा, क्योंकि हमारी सहायता करने के लिए अब वो नहीं रहे। दुख की बात तो है, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर है उसमें हम क्या कर सकते हैं। बेटी, हमें लगता है कि अपनी रिसर्च पूरी करके हम उन्हें एक बेहतर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए पापा, जब मैं स्विट्जरलैंड की मीटिंग में जाऊंगी तो मुझे और भी काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन पापा, मुझे बहुत दुख है कि जहां मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है वहां आप नहीं जा पाएंगे। अरे पापा, ये आपकी आंख पर क्या हुआ? कुछ अजीब सा लग रहा है, आप ठीक तो है ना? कुछ अजीब नहीं है, मुझे लगता है मुझे दवाई लेकर आराम करना चाहिए, ठीक हो जाऊंगा। आप लापरवाही मत कीजिए, आपने अभी तक मेडिकल चेकअप भी नहीं करवाया है। पापा, मुझे लगता है कि आपको चेकअप करवाना चाहिए। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डायना। देखो डायना, कल तुम्हें सफर के लिए निकलना है, इसलिए तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन डायना, ये दवाई ले लेंगे, हमें चलना चाहिए। तो अब हम चलें? See you. एलेक्स, डायना का ख्याल रखना। वो रिपोर्ट जो आपने मंगवाई थी। थैंक यू। जी लाओ, दो बजे डॉक्टर, हमारे लिए स्विट्जरलैंड से कुछ यादगार लाना मत भूलिएगा। बिल्कुल नहीं भूलूंगी, और तुम भी याद रखना। और मुझसे वादा करो कि तुम अपना सारा काम टाइम से कंप्लीट करो। और हाँ डॉक्टर, उनका ख्याल रखना, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है, श्योर डॉक्टर, हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो। बाय, हैव अ नाइस ट्रिप। हैव अ सेफ ट्रिप, बाय। आह।
जरा हटना। कहाँ जा रही हो?
Sir! ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, चल रही हूँ बाबा। चलो ना। सुनो, हम लोग जा रहे हैं। जा रही हो तुम लोग? तो तुम लोगों की ड्यूटी खत्म। चलो चलो ना, मुझे वॉशरूम जाना है। हाँ चलो चलते हैं।
मुझे यहाँ कुछ दवाइयाँ देखनी है। अरे ये रही वो दवाई जिसे कैट ढूंढ रही थी। ठीक है तुम दो मिनट रुको, मैं अभी वॉशरूम होके आती हूँ। अच्छा ठीक है, पर ज्यादा टाइम मत लगाना। तुम्हें पता है ना मुझे डर लग रहा है। Yeah.
अब मैं हूँ डायना, क्या हुआ तुम्हें? तुम पागल हो, ऐसे चुपचाप आकर मुझे डरा दिया, लाइट भी नहीं है। लाइट गई है इसलिए, मुझे लगा तुम अकेले में डर जाओगी, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने आ गया डायना। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मैं कब से पापा को फोन लगा रही हूँ। मुझे माफ कर दो, तुम तो बहुत डर गई। पर फोन लग ही नहीं रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देर तक काम कर रही थी, वो कल घर पे भी नहीं आई थी, तुम्हें कुछ पता है कहाँ है वो बताओ। तुम्हें जरूर मालूम होगा हैम, बताओ हमें कि कैट कहाँ है। कल रात तुम भी यहीं थे है ना, जल्दी बताओ हमें। चलो मेरे पीछे आ जाओ। सकता है वहां पर भी लाइट ना हो, और हेम भी तो है, हमें देर हो रही है। चलो जल्दी चलना चाहिए, तुम तैयार हो जाओ, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। लेकिन कोई बहाना नहीं, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारी वेट करता हूँ। डॉक्टर रंग ने ना बुलाया होता तो मैं यहाँ तो कभी नहीं आती। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, सब कुछ बहुत ही गंदा है और जर्म्स भी भरे हुए हैं इसके अंदर। यहाँ हमारा क्या मुझे काम? लग रहा है। इस तरफ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस तरफ। हेम, हेम, दरवाजा खोलो हेम, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, हेम, हेम, दरवाजा खोलो, अरे बाहर आने दो, हेम, दरवाजा खोलो, हेम, प्लीज खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो, हेम, प्लीज, हेम, समझ नहीं आ रहा है ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या हो गया है इसे? मुझे डर लग रहा है, मुझे भी,
आखिर ये जाता क्या है? आवाज कहाँ से आ रही है? हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। मैंने इरादा बदल दिया, मैं नहीं जा रही हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? पापा ठीक तो होंगे ना? मेरा यकीन करो, वो बिल्कुल ठीक होंगे। देखो, अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ। कौन है यहाँ? डाइना, डाइना, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। चलो दूसरी तरफ देखते हैं। हेम, हेम, आखिर यहाँ हुआ क्या है? ना पापा दिखाई दे रहे, ना कोई और दिखाई दे रहा है। हर तरफ बस खून फैला हुआ है। देखो, चिंता मत करो डायना, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक होंगे। ये आवाज़ कैसी
चलो देखते हैं। हेम, हेम, यहाँ की चाबी दो मुझे। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मुझे जल्दी से यहाँ की चाबी दो। तुमने सुना नहीं? आप अंदर मत जाइए प्लीज। हेम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ चाबी दो। प्लीज अंदर मत जाइए। चलो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चाबी दो जल्दी। डेना, तुम दूसरी तरफ देखो। तुम इस तरफ जाओ। डेना, भागो यहां से। ये सब क्या है? ये तो पापा के स्टाफ में से है। केन, चलो पापा को देखते हैं। चलो।
ये क्या है? ये पापा हैं? पापा, ये आपको क्या हो गया? Thank you.
मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी भयंकर मुसीबत हो जाएगी। मुझे थोड़ा भी अंदाजा होता तो ये सब ना होता। मेरा प्यार आज मेरे साथ होता। एक छोटी सी गलती से कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये सब शुरू हुआ एक सांप के जहर से बने सीरम से, जिसे इंडोनेशिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स ने अपनी रिसर्च से तैयार किया था। उनकी यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि जिंदा सांप को पकड़कर उसके जहर के एक्सट्रैक्ट पर रिसर्च की जाए और एक ऐसा सीरम तैयार किया जाए जो मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल हो पाए। लेकिन बदकिस्मती से बहुत ज्यादा लोग इस सांप की तलाश नहीं कर पाए और ना ही जिंदा लौट पाए, क्योंकि ये एक वाइपर है, एक डेविल स्पीशीज। हालांकि इस हादसे को हुए 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है। लेकिन मेरे दिल के जख्म आज भी ताजा हैं। मालूम नहीं इस दर्द भरे हादसे के गम से मैं कभी उभर भी पाऊंगी या नहीं।